कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग मज़े में हो। ये वीडियो बना रहा हूँ, एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मतलब जब मैं सऊदी अरेबिया में था तो बहुत सारे इंसिडेंट हैं, उसमें एक आपके साथ शेयर करता हूँ, बाद में और भी करेंगे। तो मैं जब मैं सऊदी अरेबिया गया तो मैं खोबर में गया था, अल खोबर। देन उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया रियाद में आफ्टर 8 मंथ्स। मतलब 8 मंथ्स मैं खोबर में था, तो मतलब खोबर से मुझे इतना लगाव था, हो गया था कि मतलब बेस्ट यार। मतलब वहाँ पे समंदर था, कॉर्निश जिसको बोलते हैं, देन बहुत मज़ा आता था। एंड फिर एक बार मैं ईद मनाने के लिए खोबर आया था सभी दोस्तों के लिए। तो वहाँ पे एक बार क्या हो गया, सिग्नल पे मैं रुका, तो मेरे पीछे एक कार आके रुक गई। देन उसके बाद क्या हुआ कि सिग्नल अभी बंद ही था, तो मैं थोड़ा आगे लिया, तो मेरे पता नहीं क्या हो गया, शायद उन्होंने समझा कि सिग्नल छूट गया, तो उन्होंने भी आगे लिया और पीछे से मेरे कार को ठोक दिया। देन अभी मैं परेशान हो गया, बिकॉज कार तो कंपनी की है और मैं आया था छुट्टी पे रियाद से खोबर, और वो कंपनी को भी पता नहीं था, तो मेरे को टेंशन आया अभी करना क्या पड़ेगा। देन उसके बाद वो पुलिस वगैरह आई थी, बोली बाजू में ले लो, तो मेरी कार और वो जो मेरे पीछे कार थी, दोनों की कार को बाजू में ले लिया। देन उस जब हम लोग उतर गए कार में, हम लोग 3-4 जन थे, तो वो कार में सिर्फ एक सऊदी मैन उतर गया, एक सऊदी उतरा। तो उन्होंने जैसे उतरा, सभी पुलिस वालों ने उनको सल्यूट किया। हम लोग परेशान हो गए कि यार उनको सल्यूट क्यों कर रही है लोग। फिर वो सब कुछ हो गया तो वो चले गए। देन नहीं चले नहीं गए, उसके बाद वो मेरे पास आए कि भाई मुझे बताओ कि तुम्हारी कार को कहाँ रिपेयर करना है, रियाद में खोबर में करना है, दमाम में करना है, पूरी सऊदी अरेबिया में कहाँ में करना है बताइए, हम लोग कर देंगे। तो फिर वो चले गए। फिर मुझे हम लोग दोस्तों को पुलिस स्टेशन में लेके गए, जो भी फॉर्मेलिटी रहती है डेफिनेटली एक्सीडेंट के बाद जो भी होता है, तो वहाँ पे गए तो वो पुलिस वाले सब बात हमको हाथ कर रहे थे, ये देखो मतलब अरबी में बात कर रहे थे कि देखो इनके साथ हो गया। हम लोग परेशान हो गए कि मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली। देन उसके बाद एक सऊदी आया, तो उन्होंने हमारे साथ इंग्लिश में बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि जो आपके साथ एक्सीडेंट हुआ था वो एक्चुअली कौन बंदा है, यानी ही वॉज दी हेड ऑफ पेट्रोलिंग, मतलब जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है वो बंदा, वो पेट्रोलिंग का हेड था पूरे सऊदी अरेबिया का, माशाल्लाह। मतलब लिटरली मैं शॉक हो गया कि यार इतना सिंपल, वो हेड जो है उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। देन वो उतरा, सिंपली पोलाइटली हमसे बात किया, अच्छे से हमको बोला कि कहाँ पे रिपेयर करना है। मतलब पूरा एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त लगा कि यार क्या पोलाइटनेस है, क्या मतलब ट्रीट करने का तरीका है। देन उनके दोस्त ने भी बोला कि भाई तुझे कार कहाँ फिर के करनी है बता दे, हम लोग कर देंगे। तो अभी मैं टेंशन में था कि कंपनी में कहाँ बताऊँ, अगर पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगा, अगर अभी कोई कंपनी से देख रहा है तो भाई हो गया भूल जाओ। तो फिर हमने सेकेंड डे ही खोबर में ही हमने कार रिपेयर कर दी, हमने उनको बताया कि इतना खर्चा हो गया, तो उन्होंने पैसा भी दे दिया। मतलब ओवरऑल बताने का मेरा ये मकसद है कि मतलब क्या मतलब एक्सपीरियंस था हमारा, हमको मतलब नॉर्मली क्या होता है कि इवन हम लोग अगर एक्सीडेंट होता है तो हम लोग झगड़े पे उतर जाते हैं, ये चीज़ें होती है। तो बट वो वहाँ पे मतलब मेरे साथ उस सिचुएशन में ऐसा नहीं हुआ, मुझे अच्छा लगा। तो सही है कि हम लोग ऐसे ही सबके साथ बिहेव करें, तो सिचुएशन देख के करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है हमेशा प्यार से लेना है। बट लिटरली वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं चाह कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो आपके साथ शेयर किया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स जो मेरे साथ सऊदी में हुए हैं, मैं एक एक करके ज़रूर शेयर करूँगा। मैं अपने पास रख के तो क्या करूँ, आपको सबको शेयर करूँगा तो भी मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।